तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जिस भी इमोजी पर क्लिक कर रहा हूँ वो इमोजी यहाँ पर बोलता हुआ और हिलता हुआ जा रहा है। यदि आप इस प्रकार से अपने मोबाइल के अंदर किसी भी इमोजी को बोलते हुए या फिर हिलाते हुए भेजना चाहते हैं या फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट में आप रंग बिरंगी फॉन्ट लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर से आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर लिखना है बबल कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल कीबोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा और इसके बाद आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करना है और यहाँ पे मैं आपको जैसा बताऊँ बिल्कुल वैसा करना है। कहीं भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद आपको इस कीबोर्ड को ओपन करना है और इसके बाद आपको एलाउ पे क्लिक करना है। अब एलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एनेबल का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है जो कि हमने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे चालू कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद है, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करके इसको चालू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें जो बबल कीबोर्ड है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, इसके बाद फिर आपको इस ऐप को ओपन करना है, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है, उसके बाद जो भी परमिशन मांगे उन सभी को यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप के अंदर जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे आप जिसको भी मैसेज करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस पर जो भी आपको मैसेज करना है वो कर सकते हैं या फिर आप किसी को इमोजी भेजना चाहते हैं तो आपको उस इमोजी पर इस प्रकार से दबा के रखना है। अब जब यहाँ पे आप दबा के रखते हैं तो आपका जो भी इमोजी है वो उनके पास इस प्रकार से चला जाता है। और इसके बाद यदि आप किसी को कुछ और भेजना चाहते हैं जैसे कि आप कुछ मैसेज वगैरह लिखना चाहते हैं तो मैसेज भी लिख सकते हैं। तो मैसेज लिखने के लिए यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं उसकी फॉन्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है, अलग अलग स्टाइल में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। यदि आप इसके बारे में कुछ और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो आपको साइड में ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से किसी को भेजना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार से आप किसी को भेज सकते हैं। नीचे आप इमोजी पर क्लिक करके आप कुछ और भी इमोजी यदि ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।